अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैंने ये सोचा कि आज मैं आपको गजरेला की रेसिपी बताऊं, जिसके लिए मैंने लिए हाफ के जी से थोड़ी कम है ये 4 कैरेट्स थी, ठीक है ना, हाफ के जी से कम है ये। इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया। ये मैंने 1/4 राइस भिगो दिए थे दोपहर में, तो ये अच्छे खासे इन्होंने पानी सोक कर लिया, वाटर, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चॉपर लेंगे। चॉपर में हमने ये सारी गाजर डाल देनी है। ये बहुत ही इजी तरीका है, हमें कद्दूकस नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। मेरा ये चॉपर ज़रा बड़ा है, तो एक ही राउंड में ये हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, चॉपर में मैंने इसको कर लिए हैं ग्राइंड। ये देख रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक हो गया इस तरह से। अब ये जल्दी पकेगा। ये बहुत ही आसान तरीका है कि कद्दूकस करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बस आपने मोटी मोटी गाजर काटी और चॉपर में डाल के इसे कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक डिश के अंदर निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये इस पतीली के अंदर 1 लीटर मिल्क था, जिसमें से मैंने 1 कप निकाल लिया है, बाकी ये है। अब इसके अंदर मैं ये तमाम गाजर जो है ऐड कर दूंगी। बस बंदा रखा दे रही, अब फ्लेम बिल्कुल स्लो है। ठीक है, और इसके साथ हम ऐड कर देंगे ये राइस। ठीक है, इसे मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम पर ये पकता रहेगा, ठीक है। जैसे ये थोड़ा बहुत पकता है और गाढ़ा होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने लिए 1/2 कप चीनी है, ठीक है, कोकोनट है, क्रश कोकोनट है यानी पाउडर कर लें, और बादाम और पिस्ते, और 3 हरी इलायची खोल कर, ठीक। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना बन गया है। ये देखें, ये इतना पक गया है माशाल्लाह से। इस टाइम पर हम ऐड करेंगे इसके अंदर हरी इलायची, ठीक है, ये चीनी। अगर मुझे चीनी कम लगी, वैसे तो सही है, मुनासिब है, ज़्यादा नहीं पसंद मुझे, नहीं करूँगी मैं। अगर कम लगेगी तो देख लूँगी, वरना ये 1/2 कप चीनी है। बस, और इसके साथ ही हम ये ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। बस बंदा रखान रही। अभी तक ये स्लो फ्लेम पर है, मैंने इसको मीडियम भी नहीं किया, क्योंकि जितना ये देर में पकेगा आराम आराम से, उतना ही ये मज़ेदार बनेगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं
मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी तमाम मज़ेदार सी रेसिपीज़ फ्री में देखने को मिलेंगी। और यही आप सबका प्यार होता है हमारे लिए, तो इसलिए आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करें, कमेंट करें, मुझे खुशी होगी और अच्छा लगेगा। अच्छा, इसको हम ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए और छोड़ते हैं पकने के लिए, ठीक है? फिर मैं आपसे मिलती हूँ आधे घंटे बाद। अच्छा, अब मैंने ये लकड़ी का स्पून लेके इसे अच्छी तरह से ना मैश कर लिया है, ताकि जो राइस हमने डाले थे वो सब अच्छी तरह घुट जाएं इसके अंदर, ठीक है? अच्छी तरह से गल गया ये, ये देख रहे हैं। बस तैयार है। अब मैं इसके अंदर 1 कप मिल्क जो मैंने निकाला था वो ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप मिल्क, ठीक है? इसे मिक्स करेंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा वाटर, 1 2 बस 2 से 3 ड्रॉप, 2 to 3 ड्रॉप केवड़ा वाटर बस मिक्स करेंगे। ये तैयार है, मैं इसे डिश आउट करती हूँ 2 से 3 मिनट पकाने के बाद, क्योंकि अभी हमने इसमें मिल्क ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आप इसके अंदर खोया भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, वरना मैं डालती हूँ हमेशा। और इसके अलावा आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं कलाकंद, वो तो बहुत ही फिर लजीज ये बनता है गजरेला ना, ऐड करके देखिएगा आप, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलें जी, ये तैयार हो गया, मैं इसको डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने डिश आउट कर लिया है और ये गरम गरम मज़ेदार सा गजरेला बहुत मज़े का बना है, अभी मैंने टेस्ट किया था। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारा साथ यहीं तक का था, और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? हमारा साथ यहीं तक का था, अल्लाह हाफ़िज़।